नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर अमित गौतम दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो परिचर्चा का विषय है वो है आकलन क्या, क्यों और कैसे और मूल्यांकन का संप्रत्यय। शिक्षा में आकलन शब्द विशेष तरीकों से प्रयोग में लिया जाता है। यह किसी समूह व्यक्ति के निष्पादन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। शिक्षक यह पता लगाने की कोशिश करता है कि विद्यार्थी क्या जानता है और वह किस प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों में किसी कार्य के प्रति प्रतिक्रिया करता है तथा उस कार्य को पूरा करता है। आकलन आगामी निष्पादन को सुधारने में मदद करता है, जबकि मूल्यांकन वर्तमान निष्पादन की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए, आकलन के बाद निष्पादन के सुधार के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं। अगर हम शब्दकोश के अनुसार बात करें तो आकलन का तात्पर्य किसी भी चीज़ की कीमत, वैल्यू, गुणवत्ता या महत्व का निर्धारण करना है। सामान्य शब्दों में आकलन का अर्थ किसी व्यक्ति या समूह से संबंधित सूचना ग्रहण करने की प्रक्रिया से, ताकि व्यक्ति या समूह विशेष के संदर्भ में कोई भी निर्णय लिया जा सके। अगर हम विद्यार्थी के संदर्भ में बात करें तो आकलन का आशय है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया या विद्यार्थियों का विज्ञान के बारे में निर्णय प्रदान करने की प्रक्रिया। आकलन का उद्देश्य किसी भी कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन, कक्षागत क्रियाकलाप तथा मूल्यांकन की कमियों को जानना है, उन कमियों को दूर करना और उपयुक्त कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की संरचना करना होता है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आकलन में छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है, ताकि हमारे शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन से पूर्व सुधार हो सके। आकलन एक व्यापक शब्द है, इसमें कई विद्यार्थियों के कौशल, ज्ञान, योग्यताओं, अभिवृत्तियों, गुणों इत्यादि के बारे में सभी प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक जानकारियाँ शामिल होती हैं। आकलन के लिए एक समय अवधि में विद्यार्थियों को सीखने के प्रमाणों को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों के सीखने के प्रमाणों को अनेक अन्य अधिगम कार्यों के साथ साथ लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, परियोजना कार्य द्वारा इकट्ठा किया जाता है। आकलन शब्द का प्रयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति देखता है कि निष्पादन के परिणाम में गुणवत्ता के स्तर को भविष्य में किस प्रकार सुधारा जा सके। आकलन एक प्रकार से अधिगम की समझ और विद्यार्थी की योग्यता का स्पष्ट चित्र प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ जो हमारी आकलन रिपोर्ट है कि क्या कोई निष्पादन अच्छा या निम्न स्तर का है और किस प्रकार से आने वाले निष्पादन में सुधार किया जा सकता है। आकलन की कोई भी रिपोर्ट उन सभी शक्तियों का उल्लेख करती है जिन्हें बनाए रखना चाहिए। आकलन केवल इससे संबंधित है कि गुणवत्ता के स्तर को कैसे उन्नत किया जाए। यदि किसी बच्चे के विज्ञान के टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं लेकिन विज्ञान का उपयोग वो दैनिक जीवन में करने में असमर्थ है, तो ऐसे अंकों का कोई भी लाभ नहीं होगा। अब हम एक परिभाषा के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं कि आकलन क्या है। विद्यार्थियों के विकास व सीखने के संबंध को निर्धारित करने का आधार ही आकलन है। यह सूचनाओं के परिभाषीकरण, चयन, संकलन, विशेषण, विवेचन व प्रयोग की प्रक्रिया है, जिसमें कि विद्यार्थियों के सीखने तथा विकास प्रक्रिया में वृद्धि हो सके। आकलन द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सीखा गया, क्रिया को सीखने का तरीका, क्रिया से पहले, क्रिया के दौरान और क्रिया के बाद में क्या रहा। अगर आकलन क्रिया के चरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि निर्देशन से पूर्व यह ज्ञात करना कि विद्यार्थी क्या जानता है, प्रक्रिया के दौरान देखना कि छात्र क्या सीख रहा है, क्या ज्ञान में कोई परिवर्तन हुआ, क्या क्रिया अथवा पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति आवश्यक है। हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों की निष्पत्ति एवं विकास में वृद्धि करना है। इसके लिए उपलब्ध आंकड़ों का चयन व विवेचन व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि आकलन क्यों आवश्यक है। आकलन की आवश्यकता विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, अभियोग्यता आदि के बारे में जानकारी करने तथा उनके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण, संरक्षण आदि के लिए पड़ती है। हम ये भी बात करेंगे कि छात्रों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के विज्ञान में अधिगम और विकास को बल प्रदान करना तथा विज्ञान में सुधार की क्या संभावना है, इसे जुटाने के लिए आकलन अति आवश्यक है। बच्चे के विज्ञान अधिगम में एक समय विशेष के दौरान किस तरह के बदलाव आते हैं और प्रगति किस तरह से हो रही है,
यह जानना भी महत्वपूर्ण है और सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना भी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन में अधिक सुविधाजनक तरीकों से सीखने के अवसरों का हम नियोजन करते हैं, बच्चे के स्वयं के बारे में समझ और विकास को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, पाठ्यचर्या के लक्ष्यों पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में भी आकलन सहायक होता है, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाने के लिए आकलन आवश्यक होता है, साथ ही साथ बच्चों की प्रगति को माता पिता तथा दूसरे को संप्रेषित करने के लिए हम आकलन द्वारा प्रमाण तैयार करते हैं। अब हम सबसे पहले आधारभूत तत्वों के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और तत्पश्चात हम कोई भी उपयुक्त मापन उपकरण अथवा विधियों का चयन करते हैं। आकलन की आवश्यकता निम्न बिंदुओं को समझने के लिए पड़ती है। ये विद्यार्थी के संदर्भ में है, अध्यापक के संदर्भ में, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संदर्भ में और परिवार के लिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों के संदर्भ में आकलन क्यों आवश्यक है। छात्र विज्ञान में क्या जानते हैं ये आकलन बताता है। छात्रों की रुचियाँ कौन कौन सी हैं, छात्रों की विशिष्ट आवश्यकता क्या है, छात्रों की योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन करने में तथा कक्षा में छात्रों का उचित स्थान वर्गीकरण के लिए आकलन आवश्यक है। अध्यापक हेतु जब हम बात करेंगे तो छात्रों के कौशल योग्यता और अधिगम क्षमता को पहचानने में आकलन आवश्यक है। शिक्षण विधि का चयन करने में, नई कक्षाओं की व्यवस्था करने में, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने के लिए और विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का विकास हो सके इसके लिए आकलन आवश्यक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करने के लिए कौन छात्र किस कार्यक्रम में अधिक उपयुक्त है यह ज्ञात करके उसके अनुसार रणनीति निर्माण करने के लिए आवश्यक है। जब हम परिवार के लिए बात करते हैं तो छात्रों के अभिभावकों को छात्र की प्रगति से अवगत कराने के लिए भी आकलन आवश्यक है, साथ ही साथ छात्रों की विज्ञान अधिगम क्षमता के बारे में जानकारी देने के लिए भी इसका महत्व है। अब हम बात करेंगे आकलन किसका किया जाए। विभिन्न विषय क्षेत्रों में बच्चों के सीखने और निष्पादन के लिए आकलन होता है। विज्ञान के भी कई सारे विषय उप विषय क्षेत्र हैं जिसमें हम बच्चों के सीखने और उनके निष्पादन के लिए आकलन कर सकते हैं। विज्ञान कौशलों और अकादमिक आदि में बच्चों का क्या उपलब्धि स्तर है इसे जानने के लिए आकलन करेंगे। रुचियों और रुझानों की अभिप्रेरणा हेतु और एक समय विशेष में होने वाले परिवर्तनों का तथा प्रगति के लिए ये आवश्यक है। अब आकलन की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ की जाए। आकलन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए हम सूचना और प्रमाणों का संग्रह करते हैं तथा तरह तरह की विधियों के माध्यम से आकलन की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। जो भी सूचना है, जो प्रमाण है, उनको हम दर्ज कराते हैं। संग्रहित सूचना और प्रमाणों के आधार पर बच्चों की प्रगति के संबंध में कोई भी अर्थ या गणना करते हैं। आकलन संबंधी पृष्ठ पोषण संप्रेषित करना, साझा करना, दूसरे शिक्षकों व अन्य संबंधित लोगों को भी बताना। जब हम आकलन सूचना का उपयोग करते हैं तो इससे बच्चों के विज्ञान अधिगम और निष्पादन को उन्नत करने में सहायक होता है। लिखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवसरों सामग्री सहायक सामग्री उपकरण आदि को प्रदान करने के लिए आकलन आवश्यक है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाने के लिए साथ ही साथ विज्ञान जैसे कठिन विषय में बच्चों की भिन्नता और विशेषताओं विशेष जरूरतों के मुताबिक उनको अवसर देने के लिए और छात्रों के विज्ञान में श्रेष्ठतम निष्पादन के लिए भी आकलन की आवश्यकता पड़ती है। अब छात्रों हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आकलन का महत्व क्या है। विज्ञान में अधिगम क्षमता को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन से पहले सुधार हेतु आकलन द्वारा पृष्ठ पोषण दिया जाता है। शिक्षक एवं छात्र के स्वयं मूल्यांकन के लिए भी विज्ञान शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए विज्ञान में छात्र की प्रगति का पता लगाने के लिए हम कई सारे बिंदुओं के अंतर्गत आकलन करते हैं। जैसे कि विज्ञान में विद्यार्थी ने क्या सीखा और कहाँ तक सीखा, क्या छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान का नए ज्ञान और कौशल का उपयोग कर पा रहे हैं, क्या छात्र नए ज्ञान के बारे में बात कर सकते हैं, हम इसको इसके महत्व द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। आकलन का महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब छात्र के ज्ञान प्रदर्शन और आवश्यकताओं के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों के प्रगति के मूल्यांकन में शिक्षक की शिक्षण विधियों के सुधार हेतु विज्ञान अधिगम में जब तक छात्रों को पृष्ठ पोषण प्राप्त नहीं होगा तब तक वो प्रभावशाली नहीं होता। तो इस दृष्टिकोण से आकलन का महत्व काफ़ी अधिक होता है।
पाठ्य योजना बनाते समय एक शिक्षक के मस्तिष्क में ये होता है कि विद्यार्थी क्या जानता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सभी सीमा की पुष्टि करने के लिए शिक्षण की विभिन्न विधियों को काम में लेता है। इसी स्तर पर आकलन संक्षिप्त तथा छोटा होना चाहिए ताकि यह शिक्षार्थी को विभिन्न संकल्पनाओं की पूर्व धारणा को पुनः देखे तथा आगे सीखने की ओर प्रेरित करने वाला होना चाहिए। यह इस तरह किया जाना चाहिए कि शिक्षार्थी की रुचि भी विज्ञान में बनी रहे। विज्ञान की समझ का आकलन करने के लिए आकलन की विभिन्न विधियों का प्रयुक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी विषय विधि के चयन से पहले आकलन के अनेक तरीकों के बारे में विज्ञान शिक्षक को सोचना पड़ता है। जब हम विज्ञान विषय में बात करते हैं तो इसमें मूलतः चार विधि हम अपनाते हैं, व्यक्तिगत आकलन, समूह आकलन, सहपाठी आकलन और स्वयं आकलन। व्यक्तिगत आकलन, यह शिक्षक को बच्चे की व्यक्तिगत सामर्थ्य तथा कमजोरी की स्पष्ट पहचान बनाने में मदद करता है। समूह आकलन में सामाजिक कौशलों, सहयोगी अधिगम प्रक्रिया तथा बच्चों के व्यवहार के मूल्य आधारित आयामों को जांचने में अधिक उपयोगी पाई गई है। सहपाठी आकलन, यह व्यक्ति कौशलों को निखारता है। यह बच्चों में भेदभाव अभिवृत्ति को विकसित, श्रवण कौशल को बढ़ाने, टीम भावना को बढ़ाने के लिए नेतृत्व तथा समय प्रबंधन में सहायक हो सकता है। स्वयं आकलन, बच्चों के ज्ञान कौशल, प्रक्रिया अभिरुचि, अभिवृत्ति आदि की प्रगति तथा सीखने में स्वयं का आकलन है। अब हम आकलन की विधियों की बात करेंगे। विभिन्न परिस्थितियों में अनेक विधियों से शिक्षार्थी का आकलन हमें शिक्षार्थी की योग्यता को पहचानने में मदद करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान आकलन की एक या एक से अधिक विधियों का चयन शिक्षक कर सकता है। शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य अथवा शिक्षार्थियों के स्वयं के मध्य पारस्परिक क्रिया क्या है, शिक्षार्थी किस प्रकार से उत्तर दे रहा है, चित्र बना रहा है, संख्यात्मक समस्याओं को किस प्रकार से हल कर पा रहा है। आकलन की विधियों के अंतर्गत हम विज्ञान प्रश्नोत्तरी के द्वारा बच्चों का आकलन कर सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार की विज्ञान से जुड़ी हुई परियोजना दे सकते हैं। बालक के कक्षाकार गृह कार्य के आधार पर भी आकलन किया जाता है। साथ ही साथ बच्चे ने क्या सीखा कक्षा में, उसका प्रदर्शन वो किसी भी विज्ञान प्रदर्शनी में कर सकता है। इसको आंकने के लिए हम बालक को विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्र भ्रमण करा सकते हैं। कोई भी लिखित परीक्षा के आधार पर हम बच्चे को आकलित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आकलन की विशेषताएँ क्या हैं। आकलन एक व्यापक पद है जिसमें संरचनात्मक तथा योगात्मक प्रकार के आकलन होते हैं। आकलन के अंतर्गत बालक के सभी पक्ष शारीरिक, मानसिक, नैतिक आदि आ जाते हैं। आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन का शिक्षा के उद्देश्यों के साथ एक घनिष्ठ संबंध है। आकलन का प्रमुख संबंध छात्र के विकास से है। आकलन एक प्रकार का सहयोगी कार्य है जिसमें छात्रों, अध्यापकों को एवं अभिभावकों को पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है। आकलन के अपने में ना तो कोई उद्देश्य होते हैं और ना कार्य। जिस क्षेत्र में आकलन का प्रयोग किया जाता है, जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, उस क्षेत्र में उसके वही उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति करना ही आकलन का कार्य होता है। आकलन का स्वरूप सुधारात्मक होता है या छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का ही आकलन नहीं करता। आकलन के परिणामों के आधार पर किसी छात्र के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। वह किस सीमा तक किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई तथा क्या पुनरावृत्ति की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि कक्षा के अंदर सीखने के अनुभव उत्पन्न किए गए वे कितने प्रभावशाली रहे या अपेक्षित रहे। आकलनकर्ता को यह निर्धारित करना होता है कि अमुक पाठ्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों के ज्ञान तथा व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। प्राप्त ज्ञान का प्रयोग वह किस क्षेत्र में करेगा, क्या वांछित उद्देश्य की प्राप्ति संभव है या नहीं। अब हम मूल्यांकन के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी भी गुण, योग्यता अथवा विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है मापन प्लस मूल्य निर्धारण। हम मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारित कर देते हैं और साथ ही साथ हम मूल्यांकन में ये देखते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, उद्देश्य स्पष्ट करने की विधि प्रविधि कितनी प्रभावी रही, अधिगम अनुभव कितने प्रभावी उत्पादक रहे।
अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आकलन और मूल्यांकन में अंतर क्या है। छात्रों, ज़्यादातर इन दोनों बिंदुओं को लेके कुछ ना कुछ हमारे मन में शंका रहती है। इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि दोनों के मध्य क्या अंतर है। आकलन हमेशा संरचनात्मक होता है जबकि मूल्यांकन योगात्मक होता है। आकलन में प्रक्रिया प्रधान होती है जबकि मूल्यांकन उत्पाद प्रधान होता है। आकलन का जो अर्थ है या आकलन का जो मुख्य कार्य है वो सुधार करना है, जबकि मूल्यांकन में हम छात्रों का मूल्य निर्धारण करते हैं। आकलन में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि छात्रों ने किस प्रकार से सीखा। मूल्यांकन में हम ये देखते हैं कि छात्र क्या सीख गया। जो आकलन होता है वो हमेशा निदानात्मक चलता है, जबकि मूल्यांकन में हम कोई भी जजमेंट करते हैं। आकलन के अंतर्गत हम सुधार के क्षेत्रों की पहचान करते हैं, जबकि मूल्यांकन में हम ग्रेड तथा अंक प्रदान करते हैं। आकलन में लचीलापन होता है जबकि मूल्यांकन निर्धारित होता है। आज हमने विज्ञान विषय में आकलन के बारे में जाना कि आकलन कैसे होता है, आकलन क्यों होता है और आकलन को विज्ञान में किस प्रकार से करते हैं। साथ ही साथ हमने मूल्यांकन के बारे में बात की। आगे इसी तरह के रोचक बिंदुओं के संग आपसे NIOS के स्टूडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।